नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो पहले आपको बताते हैं। खबर सचिन बिश्नोई को लेकर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई को अयोध्या लेकर जाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक आपको बताएं कि लॉरेंस गैंग का अयोध्या कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद स्पेशल सेल सचिन बिश्नोई को अयोध्या ले जाकर इसके सबूत जुटाने की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन से पूछताछ के बाद लॉरेंस गैंग के और गुर्गों की बहुत जल्द गिरफ्तारी की जा सकती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कसा शिकंजा। लॉरेंस के भांजे सचिन ने खोले कई राज। अयोध्या से जुड़े सचिन बिश्नोई के तार। क्या अयोध्या से लॉरेंस गैंग को मिलती थी हथियारों की सप्लाई? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के भांजे और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड सचिन थापन बिश्नोई को अयोध्या लेकर जाने वाली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई का अयोध्या कनेक्शन सामने आया है, जिसे पुख्ता करने के लिए टीम सचिन बिश्नोई को अयोध्या ले जाने वाली है। 1 अगस्त 2023 को सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सचिन बिश्नोई ने पूछताछ में ये बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उत्तर प्रदेश से भी हथियारों की सप्लाई होती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से सचिन बिश्नोई की 3 दिन के रिमांड ली और कोर्ट में दलील दी है कि सचिन को अयोध्या ले जाकर तफ्तीश करनी है। कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड अलाउ किया है। उनकी जो स्पेशल सेल की टीम थी उनकी आर्ग्यूमेंट यही थी कि इसको फर्दर अयोध्या लेकर जाना है, जहां के गैंग के हाइड आउट्स और जहां से ये वेपन सप्लाई करते हैं या उसका स्टॉक रखते हैं उन पे सर्च करनी है, रेड करनी है। पुलिस इस वक्त सचिन बिश्नोई के अयोध्या कनेक्शन पर पूरा फोकस कर रही है, इसलिए पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई को अयोध्या लेकर जाने वाली है। अयोध्या के बाहुबली नेता विकास सिंह का लॉरेंस कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। एनआईए ने बाहुबली नेता के घर और ठिकानों पर रेड्स भी की थी और उसके बाद विकास सिंह की गिरफ्तारी हुई है। यही वजह है कि अब सचिन बिश्नोई थापन का अयोध्या कनेक्शन स्पेशल सेल खंगालने में जुट गई है। बहुत जल्द सचिन बिश्नोई थापन को स्पेशल सेल अयोध्या लेके जाएगी, ताकि अयोध्या में लॉरेंस बिश्नोई के ठिकाने और हथियारों के जखीरों का सच सामने आ पाए। कौन है विकास सिंह? विकास सिंह अयोध्या के देवगढ़ का रहने वाला है और महाराजगंज थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। विकास सिंह पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। विकास पर हत्या, आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप हैं और विकास सिंह पर बिश्नोई गैंग और हरियाणा पंजाब समेत अन्य राज्यों के गैंगस्टरों को पनाह देने का भी आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई का अयोध्या कनेक्शन इससे पहले भी आ चुका है, जब यूपी के एक बाहुबली नेता लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर थे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने विधायक अभय सिंह की सुपारी ली थी और उन्हें मारने के लिए अपने गुर्गों को भी भेजा था। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक पुलिस के पास सुराग है कि अयोध्या से ही बिश्नोई गैंग को हथियार मिला करते हैं, जिसका नेटवर्क तलाशने के लिए सचिन बिश्नोई को अयोध्या ले जाने की तैयारी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से गुर्गे हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और जो लगातार बाहुबली विकास सिंह के साथ साय की तरह घूम रहे थे। न सिर्फ घूम रहे थे बल्कि उसके लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए दरअसल आपको समझाने की कोशिश करेंगे कौन कौन से नाम है इस फहरिस्त में। सबसे पहला नाम सचिन बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड है और फिलहाल आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है। अब इसके बाद अगला नाम जो है वो है कपिल पंडित का, जो कि मूसेवाला मर्डर में शामिल शूटर है। इसकी भी गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। और सिर्फ कपिल पंडित ही नहीं है इस फहरिस्त में, अगला नाम देवांशु का है। ये मोहाली आरपीजी अटैक का आरोपी है। पिछले साल पुलिस हेडक्वार्टर्स पर अप्रैल के महीने में अटैक किया था, वो गिरफ्तार हो चुका है। और देवांशु के बाद अगला नाम है दीपक सुरखपुर का, जो कि मोहाली आरपीजी अटैक का ये भी आरोपी बताया जा रहा है। गिरफ्तारी इसकी भी की जा चुकी है।
हालांकि सचिन बिश्नोई पहले से ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पूछताछ में उसने कई ऐसे राज उगले हैं जो उसके खतरनाक इरादे को बताने के लिए काफी थे। दावा यह भी किया गया कि एक्टर सलमान खान से लेकर कई बड़े सिंगर उसकी टारगेट पर है। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा पर्दाफाश, सचिन बिश्नोई के कबूल नामे से हड़कंप। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने बड़ा धमाका किया है। अजरबैजान से दिल्ली लाया गया गैंगस्टर सचिन बिश्नोई पुलिस की पूछताछ में जो राज उगले हैं, उसने बिश्नोई गैंग के फ्यूचर प्लान के साथ साथ खतरनाक इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने जो कबूलनामा किया है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टॉप टारगेट में एक्टर सलमान खान, बम्बीहा गैंग के बड़े गैंगस्टर और पंजाब के कुछ सिंगर हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ अब मुंबई महानगरी में अपनी दहशत कायम करना चाहते हैं और उनके टारगेट पर बॉलीवुड और मुंबई के बड़े कारोबारी हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ इस खेल के साजिश करता है और उनकी प्लानिंग यही है कि मुंबई के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर फायरिंग करके दहशत फैलाना और उसके बाद कारोबारियों से मोटी रकम वसूल करना। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी देना भी इस प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि बॉलीवुड में दूसरे स्टार्स खुद ब खुद इस गैंग की दहशत में आए और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की रंगदारी कॉल मिलते ही मोटी रकम देना शुरू कर दें। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल ने पिछले कई महीनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गों को भी गिरफ्तार किया था, जो मुंबई में दहशत फैलाने की बड़ी साजिश प्लान कर रहे थे। सचिन बिश्नोई ने खुलासा किया है कि गोल्डी बराड़ ने इस साजिश को प्लान किया था ताकि वो मुंबई महानगरी में अपना साम्राज्य खड़ा कर सके, इसलिए वो सलमान खान को धमकी देने के सहारे अपनी दहशत की पैच बनाने में काफी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। और गैंगस्टर से आतंकी बने अर्शदीप सिंह डल्ला के खिलाफ भारतीय एजेंसियों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अर्शदीप सिंह डल्ला का बेहद करीबी गुर्गा मनप्रीत एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। बीती रात मनप्रीत को फिलीपींस के डिपोर्ट होने के बाद भारत लाया गया, जहां पर एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। मनप्रीत पीटा की गिरफ्तारी एनआईए के लिए बड़ी कामयाबी क्यों मानी जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला का राइट हैंड गिरफ्तार। आतंकी अर्शदीप डल्ला के गिरोह को बहुत बड़ा झटका। सबसे करीबी गुर्गा गिरफ्तार, अब डल्ला कैसे करेगा पार? गैंगस्टर से आतंकी बना अर्शदीप सिंह डल्ला कनाडा में छिपा बैठा है और उसका सबसे खास गुर्गा मनप्रीत फिलीपींस में छिपा बैठा था। दो अलग अलग देशों में छिपे होने के बावजूद मनप्रीत 24 घंटे डल्ला के संपर्क में रहता था और उसका हर हुक्म बजाता था। लेकिन अब मनप्रीत अर्शदीप डल्ला के इशारे पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनप्रीत पर एनआईए का शिकंजा कस चुका है। गैंगस्टर से आतंकी बने अर्शदीप सिंह डल्ला के खिलाफ भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अर्शदीप सिंह डल्ला का बेहद करीबी गुर्गा मनप्रीत एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। बीती रात मनप्रीत को फिलीपींस से डिपोर्ट होने के बाद भारत लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मनप्रीत के साथ ही उसके भाई मनदीप को भी फिलीपींस से डिपोर्ट किया गया, उसे भी भारत लाया गया है। हालांकि मनदीप के खिलाफ भारत में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उसे अपने भाई मनप्रीत को शरण देने के आरोप में फिलीपींस से डिपोर्ट किया गया। मनप्रीत की गिरफ्तारी अर्शदीप डल्ला के लिए बहुत बड़ा झटका है और अब अर्शदीप डल्ला पर कानूनी शिकंजा कसने में एनआईए को ज्यादा मदद मिल सकती है। मनप्रीत पर पंजाब में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। इसके अलावा फिलीपींस में रहते हुए मनप्रीत ने अर्श डल्ला के कहने पर कई बड़ी साजिशों को अंजाम दिया। ये अर्शदीप के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले अर्शदीप को हाल ही में एक और झटका लगा था, जब उसके दो साथियों अमृतपाल सिंह उर्फ अम्मी और अमृत सिंह को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। ये दोनों मनीला से दिल्ली पहुंचे थे। इन दोनों के खिलाफ एनआईए अदालत में गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ था।
दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही देश में एक और आतंकी नेटवर्क की शुरुआत हो गई थी। ये नेटवर्क बेहद खतरनाक था क्योंकि इसमें विदेशी आतंकी स्थानीय गैंगस्टरों के साथ गठजोड़कर देश में आतंकी वारदातों की साजिश रचने में जुट गए थे। इसकी भनक एनआईए को एक जांच के दौरान लगी, जिसके बाद समूची जांच एजेंसियां आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ को तोड़ने में जुट गए। आतंकी गैंगस्टर मॉड्यूल की शुरुआत अर्श डल्ला और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के साथ आने से हुई। हरदीप सिंह निज्जर ने पंजाब और पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भारत में आतंकियों को शरण देना शुरू किया और उसने अर्श डल्ला को भी इसी काम के लिए शरण दी थी, जो कि पूरे पंजाब में उसके इशारे पर काम कर रहा था। और फिर धीरे धीरे अर्श डल्ला अपना नेटवर्क बढ़ाता गया और उसके गुनाहों की फहरिस्त भी लंबी होती चली गई। उसने भारत में फिरौती वसूली का रैकेट चलाया और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रची। अर्श डल्ला के गुर्गे अमरीक सिंह से जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारी मिली। उसे कुछ महीने पहले ही फिलीपींस से भारत डिपोर्ट किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर को कुछ दिनों पहले कनाडा में मार दिया गया, लेकिन आतंकी अर्शदीप की तलाश अभी भी जांच एजेंसियों को है। अर्श डल्ला और निज्जर का गठजोड़ इस कदर खतरनाक था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अगस्त 2022 से इस साल मार्च 2023 तक महज 10 महीने में ही 14 लोगों से करोड़ों रुपए की फिरौती इन लोगों ने वसूलने की कोशिश की। इस गैंग ने मार्च 2023 में पंजाब में एक राजनीतिक दल के नेता की हत्या का प्लान भी बनाया था। हालांकि अब मनप्रीत समेत अर्शदीप के करीब 4 बेहद खास गुर्गे कानून के शिकंजे में हैं, जिसके बाद अर्शदीप का गिरोह और उसका नेटवर्क काफी कमजोर हो चुका है।